रहीम नाजरीन आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं इमरान ख़ान हूँ नादीन एक तस्वीर सिर्फ़ एक तस्वीर ने कोहराम मछा दिया है एक तस्वीर से हर शह उड़ गई है सारे प्रोग्राम बढ़ गए सारे मनसूब खाक में मिल गए सिर्फ़ एक तस्वीर में अब आप अंदाज़ा करें कि जिस आदमी की एक तस्वीर इस निज़ाम पर इतनी भारी पड़ रही है वह आदमी ख़ुद क्या होगा यानी इमरान ख़ान कभी भी शायद ऐसे ना होते या कभी भी ये बन ना सकते जो इस निज़ाम की लगातार मुखालफत ने उन्हें बना दिया है यही इमरान ख़ान मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिस वक्त ये वज़ी अजम पाकिस्तान थे और कहीं ना कहीं मफामत करते थे चीज़ों में तो उस वक्त जब इस्टेबलिशमेंट के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुक होते थे तो कभी भी इमरान ख़ान साहब इस लेवल के मकबूल नहीं थे इन मकबूलीत तो हमेशा से उनके पास थी पब्लिक को वो पसंद है हमेशा से वो एक हिरो की तरह जिए हैं लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा तो कभी नहीं था यानी अब जो हमने देखा है कि तौबा तोबा यानी इतना पाकिस्तानी किसी को पसंद करते हो या इस लेवल पे पाकिस्तानी किसी शख्स को फॉलो करते हो ये हमने कभी सुना भी नहीं था सोचा भी नहीं था देखा भी नहीं था निज़ाम खुद हैरान हो गया है इमरान खान को चैलेंज करने वाले उससे लड़ने वाले उसका मुकाबला करने की ख्वाहिश रखने वाले अब उसके साय से भी डरने लगे हैं उसकी एक तस्वीर से खौफ जदा हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात थी ये खदशात मौजूद थे कि उस समात को लाइव नहीं दिखाया जाएगा लेकिन अच्छी बात यह हुई कि पूरी समात में इमरान खान साहब की बारी नहीं आई समात मुलतवी होगी गैरमाना मुदत तक के लिए जब दोबारा समात होगी तो इमरान खान साहब दोबारा सामने आएंगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बड़ी अहम चीज़ है तो इसमें कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं नंबर एक आ, पूरा निज़ाम जो है वो इसके लिए कोशिश कर रहा था कि अगर इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ऊपर हाज़िरी होती भी है तो एक तो वो पीटीवी के ऊपर ना चले उसकी लाइव टेलीकास्ट ना हो तो वो तो रोक दिया गया उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि लाइव टेलीकास्ट रोकने के अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो दिखाई भी ना दें कोई कैमरे से कोई मोबाइल से किसी और चीज़ से इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग करके बाहर ना ले जाए फिर जैसे ही समाज शुरू होती है तो एक छोटी सी स्क्रीन लैपटॉप नमा उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं और उस सिस्टम के पीछे साकिब बशीर साहब खड़े हैं दीगर साफ़ी भी वहाँ पे मौजूद हैं तो इमरान ख़ान साहब की वो फ़ोटो किसी ने ली और लेने के बाद उसको लीक कर दिया पहले नाम आया शौकत बसरा साहब का लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ मैं होता तो ज़रूर बता देता ये कोई और है तो तब से लेकर अब तक पूरा निज़ाम मिलकर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इस तस्वीर को वायरल किया है ये एक तस्वीर ने टहलका मचाया है यानी अगर आप देखें कि आज की समात में क्या था एक फ़ोटो आज की समाज में क्या बातचीत हुई इमरान खान की फ़ोटो आज की समाज के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं इमरान खान की फ़ोटो यानी उसके अलावा और कुछ नहीं है ये आदमी इस निज़ाम से इतना बड़ा हो गया है कि इसके बगैर निज़ाम अब चल नहीं सकता इमरान खान सिस्टम का वो हिस्सा बन चुके हैं या सिस्टम में इस हद तक शराइ कर चुके हैं कि सिस्टम को उनके बगैर चलाना मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ मुमकिन नहीं रहेगा अल्टीमेटली सबको जाकर इमरान खान से बात करनी पड़ेगी ये मैं एग्जैचरेट नहीं कर रहा आप पब्लिक को देख लेना सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएं आप ट्विटर पे चले जाएं एक्स पे आप यूट्यूब पे चले जाएं आप फेसबुक पे चले जाएं आप टिकटॉक पे चले जाएं आप किसी भी और किसी भी जगह पे चले जाएं किसी भी एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन पे जाएं आप स्क्रॉल करते जाएं आपको यही शर्ट नज़र आएगी इमरान खान की ब्लू शर्ट के अंदर बैठे हुए इमरान खान साहब आप उसको स्क्रोल करते जाए इमरान खान की यही तस्वीर आपको नजर आएगी आती जाएगी आती जाएगी जब से इमरान खान साहब आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे और वहां दिखाई दिए वीडियो लिंक पे तब से लेकर अब तक पूरे सोशल मीडिया पे इस फ़ोटो के अलावा और कुछ नहीं है ये है इमरान खान की ताकत और ये है वो हकीकत जिससे सब आंखें बंद कर रहे हैं तो बिल्ली को देख अगर कबूतर आँखें बंद कर भी ले तो बिल्ली उससे ग़ायब नहीं हो जाती बिल्ली का ख़तरा बदस्तूर मौजूद रहता है तो इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको देखकर उनके मुखालफी अगर आंखें बंद कर लें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है वो एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत इस मुल्क की बन चुके हैं आज ज़मीनी हक इमरान खान के साथ खड़े हैं कोई माने या ना माने आ, सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव कवरेज क्यों रुकी बड़ा सवाल है ये जो अदालत है इसकी कवरेज तो लाइव होती है ये रुक क्यों गई इस पर जो एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तून खान है वो उठे और उन्होंने निशानदेही की और उन्होंने बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हाँ इस केस की हेयरिंग जो है वो लाइव नहीं सुनाई जा रही तो उन्होंने कहा दलाएल हो रहे हैं बैठ जाए उन्होंने कहा जी मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ सिर्फ़ कि ये जो केस है इसकी हेयरिंग लाइव नहीं चल रही तो उसके बावजूद कादी फायदीसा साहब ने उन्हें बैठा दिया अब अच्छा ये हुआ कि इस समात में इमरान ख़ान साहब को बोलने का मौका नहीं मिला अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ या दीगर वकला या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कम से कम ये तो एक बहाना नहीं होगा सबके पास कि जनाब उस दिन की हेयरिंग थी इमरान खान साहब बोल के चले गए तो बाद में हमने नोटिस ले लिया कि जनाब इमरान खान साहब को आपने लाइव क्यों नहीं दिखाया या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव क्यों नहीं दिखाया तो आज की प्रोसीडिंग लाइव नहीं दिखाई गई इसके ऊपर बाकायदा एक्शन लिया जा सकता है अगली जो प्रोसीडिंग होगी उसमें इमरान खान साहब होंगे या नहीं होंगे उस पर भी अदालत ने कहा कि जी इमरान खान साहब लाइव दोबारा बैठेंगे और ऑनलाइन शमूलियत करेंगे अगली समाज पे भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो इमरान खान साहब से मुतिक लोगों ने नोट किए तो ये कि लाइट के हवाले से लाइटें बहुत तेज़ कर दी थी शायद इमरान खान साहब की आंखों में लग रही थी तो उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि लाइट को ठीक करो इसको हटाओ तो उसके बाद पुलिस वालों ने लाइट को एडजस्ट किया तो इमरान खान साहब ने कहा ओके फिर रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब अपने करीब बैठे हुए किसी शख्स के साथ दुरान समात बातचीत भी करते रहे फिर एक रिपोर्ट ये भी हुआ कि कादि फायदि साहब ने जब यह कहा कि इमरान खान साहब से हम इसके जवाब लेंगे तो कादि साहब जेरे लब मुस्कुराए और इमरान खान साहब भी मुंह पर हाथ रख के मुस्कुरा दिए तो ये है जी इमरान खान साहब की आज की टोटल समात और जो तस्वीर उनकी आई है उसमें उन्होंने अपना हाथ वो जो एक उनका अंदाज है उन्होंने अपने मुंह के ऊपर रखा हुआ है और सिर्फ एक तस्वीर ने कोराम मचा दिया है अब देखना ये होगा कि क्यों इतना दबाव था कि ये कवरेज लाइव नहीं हुई कादी साहब तो फरमाते हैं कि उनके दौर में दबाव नहीं होता लेकिन ये दबाव की एक मिसाल रोजाना जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना कादी साहब ने कि मैं जब से चीफ जस्टिस हूँ तब से कोई दबाव नहीं आया उस दिन से लेकर अब तक रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस जिसपे दोबारा बताना पड़ता है कि ये एक और दबाव आ गया ये एक और दबाव आ गया ये एक और दबाव आ गया तो कादी फायदीसा साहब ने जब से ये स्टेटमेंट बोला तब से दबाव शायद या तो बढ़ा दिया गया है या लोग दबाव को महसूस ज़्यादा कर रहे हैं और उसको रिपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं ये समात गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी है पता चल जाएगा कब दोबारा समात होगी और इमरान ख़ान साहब दोबारा कब आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए से और जब कादी फ़ायदा साहब ने उनकी अवेलेबिलिटी का जानना चाहा उनके वकला से तो अतर मनल्ला साहब ने कहा वो तो अडयाला जेल में ही है वो कहीं नहीं जा रहे तो इस पर पूरी अदालत जो है वो कैकों से गूंज उठी और इमरान ख़ान साहब को पता है कि वो भी इधर बंद रहेंगे केसेज़ में उनको आइडिया है कि अगले चंद महीने वो बाहर आने वाले नहीं हैं उन्होंने अपनी बहन को ये बात बताई भी है कि ये इन केसेस के अंदर आ, इनको खींच कर ले जाएंगे मेरे केसेस को जून तक और जून में जो है वो मामला चला जाएगा आ, फिर मेरे खिलाफ़ फैसला दे, दे देंगे जून में और जब हम हाई कोर्ट में अपील करने जाएंगे तो फिर जून में अदालतों की छुट्टियां हो जाएंगी जजेस चले जाएंगे तो इस तरह ये गर्मियों का टाइम मेरा जेल के अंदर गुजारेंगे लेकिन फिर जैसे ही अदालतें खोलेंगी दोबारा केसेस लगेंगे और दोबारा इमरान खान साहब की अपीलें आएंगी तो उस बुनियाद पर इमरान खान साहब को लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक वो अभी अंदर रहेंगे और सितंबर अक्टूबर तक वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है इमरान खान साहब की जो एक तस्वीर लीक हुई उस पर एक इंक्वायरी भी चल रही है और जो बड़ी स्क्रीन होती है अदालत के अंदर उस पर से इमरान खान साहब को हटाकर क्योंकि सारों का फोकस आज इमरान खान पे ही था सब लोग इमरान खान की तरफ इशारे कर रहे थे उधर ही देख रहे थे ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को सब इमरान खान को देख रहे थे और इमरान खान को देखना चाह रहे थे बल्कि चे मगोया और सगोशियाँ भी हो रही थी तो जो बड़ी स्क्रीन है उसको हटाकर छोटी स्क्रीन पे इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया तो इमरान खान साहब को छोटी स्क्रीन पे रखें या बड़ी स्क्रीन पे रखें उसका कद सबसे बड़ा है पाकिस्तान की सियासत में ये सबको मानना पड़ेगा नादरी इमरान खान के नज़र आने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग निकले और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि हमारा लीडर ठीक ठाक है यानी इमरान ख़ान को सेहत और तंदुरुस्त देखने के बाद और उनको खैरवाफियत के साथ देखने के बाद लोग निकले ख़तौर पे खैबर पखतूनख्वा में उन्होंने जनाब मठाइयाँ खाना शुरू कर दी मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी और जश्न मनाना शुरू कर दिया तो इस तरह के मनाजिर भी सामने आ रहे हैं तो ये एक आदमी की तस्वीर है जो इस मुल्क में इस लेवल पर चीज़ों को ले जाती है अगर वो ख़ुद आदमी अब बाहर आ जाता है देखें इमरान ख़ान के पास सारा कुछ था वो बोलता भी बहुत कमाल था वो वज़र अजम पाकिस्तान भी रहा था वो आम आदमी की नफ्स पे भी हाथ रखता था वो दलेर भी था वो पॉइंट ऑफ व्यू भी पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक लेता था हर चीज़ सियासी नुक्ता नज़र से उसके पास मौजूद थी एक करैक्टर भी था दलेर भी था लेकिन जिस एक चीज़ की कमी थी वो जेल काटना था तो इमरान खान ने जेल भी काट ली और बहादुरों की तरह काट ली अब एक पूरी प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है मौजूदा दौर में आप एक लीडर के अंदर जितनी चीज़ें तलाश करते हैं वो सारी आपको इसमें मिल जाती हैं तो अब जो है वो इमरान ख़ान साहब बाकी तमाम लीडरों से लीड ले गए हैं आज कुछ तस्वीर शेयर हुई मैंने भी इसको एक रीट्वीट किया कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो अस्पताल में जरदारी साहब जेल में थे तो अस्पताल में शहबाज शरीफ साहब जेल में थे तो अस्पताल में शर्जील इनाम मेमन जेल में थे अस्पताल में हमजा शबाद इलाज चल रहा है मरियम नवाद बीमार हो गए जो बंदा भी इनका जेल गया वो बीमार हुआ डॉक्टर आसिम बीमार बीमार जो बंदा इनका पकड़ा जाता है फ़ौर बीमार हो जाता है ये रवायती पोलिटिकल पार्टीज का एक खासा है और एक तस्वीर इमरान खान की आई है जेल से मज़े से बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है अपनी बारी का आज तो बारी नहीं आई अगली पेशी पे इमरान खान साहब की बारी आएगी तो पता चलेगा नागरिन दो चार चीज़ें आपको और भी बता देता हूँ आज और भी खबरें हैं वो भी आप सुन लीजिए एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से यह खबर आ रही थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ तो पाकिस्तान एक्सटेंशन लेना चाहते हैं उसमें एक ख़बर अब अखबार में छपी है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायजिस की मुलादमत में तोसी लेने में अदम दिलचस्पी अब तो बंदे ही पूरे नहीं हैं जब तक बंदे पूरे थे जब तक दो तहाई अक्सरियत तो हुकूमत के पास मौजूद थी तब तक कादी फ़ायजिस साहब ने इस खबर को डिनाई नहीं किया अभी भी नहीं किया ये तो अखबार में एक जरा से खबर छपी है अब हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं हैं अब तो अंगूर खट्टे हैं काजी फ़ायज़ा साहब फ़िलहाल तो एक्सटेंशन ले नहीं सकते उसके लिए करना यह पड़ेगा कि काजी साहब को कुछ ना कुछ करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा बेंच बनाना पड़ेगा जो दो तहई अक्सरीत वापस दिलाए वफाकी हुकूमत को और फिर उस दो तहाई अक्सरीत को इस्तेमाल करते हुए काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए दूसरा एक और काम भी करना पड़ेगा लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें काबू करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बड़ा कमाल काम किया उन्होंने आठ जजेस के नाम दिए हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे केसेस को सुनेंगे और पाकिस्तान इंसाफ की जीती हुई नशस्तें उनको वापस करेंगे जान धांधली हुई है लेकिन वो लाहौर कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक महाज खुल गया है और इलेक्शन कमीशन सिर्फ दो जजेस को उन्होंने जो है अपॉइंट किया है या नोटिफाई किया है बाकी छः जजेस को नोटिफाई नहीं कर रहा अलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और, और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी फिलहाल डट गए हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जो जजेस हैं वो अपॉइंट करने होंगे उसके लिए मैं सबसे बात करूंगा और उन्होंने तलब भी कर लिया है मुतल कमेटी के लोगों को जो हुकूमत की तरफ से जजेस को अपॉइंट करती है क्योंकि चीफ जस्टिस नाम दे चुके हैं और उनको अपॉइंट अभी तक नहीं किया जा रहा तो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट भी डट गए हैं और वो भी चाहते हैं कि ये मामला आइन और कानून के मुताबिक हो इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो स्टेटमेंट फैसल वाडा के मुँह से दिलवाया गया था या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था पगड़ियों को फ़ुटबॉल बनाने वाला तो उस पर जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब का एक ऑब्जर्वेशन सामने आई उन्होंने जो जुमले कहे वो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने कहा कि पगड़ियाँ फ़ुटबॉल बना दी गई हैं ये वादे कर दूँ कि कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा आपने जजेस को प्रॉक्सी के ज़रिए धमकाना शुरू कर दिया है जस्टिस अतर मनुल्ला का अटॉर्नी जनरल से इस्तफार यानी अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आपने प्रॉक्सीज के ज़रिए से प्रॉक्सी आप समझते हैं कि वो क्या होती है कि डायरेक्टली आपने कोई काम नहीं करना तो फिर आपने एक प्रॉक्सी खड़ी कर देनी है उसके ज़रिए से आपने ये काम करना हम कॉलेज में और स्कूल में हमें याद है अच्छी तरह मेरी प्रॉक्सी बोल देना प्रॉक्सी मीन्स ये है कि वो ख़ुद तो गैर हाजिर है वहाँ मौजूद नहीं है उसकी जगह पर कोई बच्चा यस सर और उसकी अटेंडेंस लग जाती थी तो ये प्रॉक्सी बोलना इसको कहते हैं वहाँ से ये लफ्ज मुझे पहली दफ़ा समझ आया था तो जज साहब कहते हैं कि आपने जजेस को प्रॉक्सी के ज़रिए डराना शुरू कर दिया धमकाना शुरू कर दिया है, है। पगड़ियाँ फ़ुटबॉल बना दी गई हैं ये वाजहे कर दूँ कि कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा तो ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है शेख रशीद अहमद साहब बड़े अरसे बाद बोले उन्होंने कहा जी हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है तीस जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी लेकिन नाजरीन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो इस बात की थी मौजूदा हुकूमत के मोहम्मद बिन सलमान आएंगे और वो पाकिस्तान के इतज़ाम संभालेंगे और पाकिस्तान के वजीर अज़म पहले ही कह चुके हैं कि उनकी क्यादत में मीशत ठीक होगी हालाँकि पहले ये कहते थे कि नवाज शरीफ की क्यादत में होगी लेकिन अब नवाज़ शरीफ ऐसा लगता है कि वो चला हुआ कारतूस है तो उनको उन्होंने फ़ारग कर दिया है और अब वो कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब की क्यादत में जो माशी इनकलाब है वो लाया जाएगा अब मोहम्मद बिन सलमान का दौरा हो गया है कैंसल उसके बाद जो है वो एक नाउमीदी है मौजूदा हुकूमत में और उनकी जो एक बड़ी उम्मीद थी उसके ऊपर पानी फिरता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है देखें मुल्क को जब भी संभालना है पाकिस्तानियों ने संभालना है जब भी संभालना है हमने संभालना है हमारा मुल्क है हमें इसकी मीशत खड़ी करनी पड़ेगी कोई बाहर से आके कर नहीं पाएगा कितना करेगा वो कितना ईंधन डालेगा हमारी गाड़ी के इंजन में एक वक्त आएगा कि हमें खुद अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी तो पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की लीडरशिप को इस बात का शाऊर होना चाहिए कि मुल्क ऐसे मांगे तांगे के पैसों से आगे नहीं बढ़ते ये जरूर है कि आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है लेकिन मुल्कों को आगे बढ़ाने के लिए खुद कुर्बानी देनी पड़ती है खुद हौसला करना पड़ता है हिम्मत दिखानी पड़ती है और उसका इस फुकदान है। उसकी वजह यह है कि ये तो मैंडेट के साथ ही नहीं आए अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा अपने अल्लाह है, है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते। थोड़े से तलबे अगर बस मेरे लहजे में जी हजूर न था इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता यकीन मानिए कब का अमीर हो जाता